भारत ने 37वें ओवर में इस मैच को जीता है। उससे बड़ी बात यह कि कप्तान की पारी खेली शिखर धवन ने 86 रन बनाए, लेकिन पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव एक बार फिर ये T20 के टेम्पलेट को सेट किया। उन्होंने वनडे मैचों में उन्होंने दिखाया है सिलेक्टर्स को, कप्तान को, कि भाई अगर आप हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर करेंगे तो आपकी टीम को फायदा होगा। पृथ्वी शॉ ने बनाए 43 रन, 59 रन की पारी अपने डेब्यू मैच अपने जन्मदिन पर ईशान किशन ने खेली, और सूर्य कुमार यादव नीचे बैटिंग जरूर करने आए लेकिन 20 गेंद में 31 नॉट आउट उन्होंने भी बना दिया। कप्तान की पारी खेली है शिखर ने 86 रन 95 गेंदों में। तो भारत 1-0 अप, जो कि उम्मीद के मुताबिक है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, मेरे साथ हरभजन सिंह है और मदन लाल जी भी हैं। और भज्जू, ये शायद वनडे में आज इन यंग लड़कों ने T20 का फॉर्मूला दिखाया है। आमतौर पर तो भारत जो T20 खेलता है वो ऐसा लगता है कि वनडे का एक्सटेंशन है, लेकिन आज वनडे क्रिकेट में इन यंग लड़कों ने T20 का टेम्पलेट दिखा दिया आपको। देखिए विक्रांत, गेम जो है ये बहुत चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी ईशान किशन की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, तो ये बहुत मजबूत टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और उनका टेम्पलेट जो है खेलने का वो ऐसा ही कुछ है कि कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने हैं। और बेशक कमाल की ये टीम है और कमाल के ये यंगस्टर्स हैं, पहली बॉल से ऐसा लगता है ये सेट होके आए हैं। अगर ईशान किशन की बात करें तो क्या वो पारी खेली, पृथ्वी शॉ वो पहले ही उस अंदाज में जो हमारे साथ वो इनिंग उसने खेली थी KKR के सामने 80 रन की, तो ऐसा लगा कि वहीं से आज फिर दोबारा इनिंग उन्होंने शुरू की है। तो ये इनको ना नई जनरेशन को डर खौफ कुछ नहीं है, ये जाते हैं और रन बनाते हैं और बेफिक्र जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, और ऐसा नहीं है कि चांसेस लेते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। और जो एबिलिटी है इतनी ज़्यादा है, इतनी गेम फास्ट हो गई है कि इनको देख के लगता है कि यार जो पहले गेम होती थी वाकई बहुत स्लो थी। बट तारीफ करनी होगी यंगस्टर्स की, ईशान किशन की, सूर्य कुमार यादव की, और यू नो जितने भी खिलाड़ी इस मौजूदा टूर पे गए हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत बड़ा मौका है, और स्पेशली ईशान किशन, समवन हु कैन कीप एज वेल। और इस बुलेटिन में हम जीत की बात तो करेंगे, आपको सारी तस्वीरें भी दिखाते हैं, लेकिन डिबेट करेंगे जरूर। डिबेट ये कि इतनी शानदार प्रदर्शन के बाद, हालांकि सामने टीम कमजोर है, क्या इनमें से कुछ लड़कों को आप T20 की टीम में देखते हैं? क्या इनमें से कुछ ऐसे लड़के हैं जो भारत की 11 में खेलेंगे? वो बात तो बाद में करेंगे, पहले तो देख लेते हैं ना जीत भारत की आई तो कैसे आई। जो आपने चाहा आपकी इस टीम ने कर दिखाया। इस यंगिस्तान में जान है, जो मस्त दिखी, जबरदस्त दिखी। लुत्फ लीजिए पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी का, बिना अगर मगर किंतु परंतु के बिंदास बैटिंग। चढ़कर खेलते हैं तो चढ़कर ही खेले, श्रीलंका के किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। अफसोस कि उनका सफर 24 गेंदों तक ही रहा, इन 24 गेंदों में उन्होंने 43 रन ठोके। शिखर एंकर वाले रोल में थे, मानो मैदान पर खड़े होकर सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि अनहोनी नहीं आने देना है। लेकिन जिस टीम में ईशान किशन जैसा जवान हो वहां डर और खौफ आ भी नहीं सकता। पहली ही गेंद से उन्होंने गेंदों को उड़ाकर खेला। डेब्यू मैच में ही उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ दी, वो भी सिर्फ 32 गेंदों पर। ये हाफ सेंचुरी सेंचुरी तक जाती तो जलवा और निखरता, लेकिन ईशान किशन 59 रन पर आउट हुए। गब्बर ने कप्तानी पारी खेली। मनीष पांडे वापसी का जश्न नहीं मना सके, उनके खेल में वो बात दिख भी नहीं रही। खैर, भारत जीता और शान से जीता। आज तक ब्यूरो 263 का टारगेट है। 263 ऐसी टीम के खिलाफ जिसके पास शायद वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन एक ऐसा बैटिंग ऑर्डर जो हर खिलाड़ी शायद अपनी टीम में जगह के लिए लड़ रहा है, भले वो पृथ्वी शॉ हो, शिखर धवन हो, आपके ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, मनीष पांडे हो। अब होता क्या है आमतौर पर भज्जू, जब इस तरह की आपको पता होता है यार ये इतने रन है, मैं अपने रन बनाता हूं, मेरे 40 हो जाए, मेरे 50 हो जाए, जैसे आपने कहा वैसे नहीं खेल रहे यंगस्टर्स। पृथ्वी शॉ ने ये नहीं सोचा कि मेरे 50 रन, मेरे 70 रन, उन्होंने कहा चौके लो। ईशान किशन ने पहली गेंद जो खेली है वनडे क्रिकेट में निकल के सामने छक्का मार दिया। सवाल यह है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद, भले हल्की टीम है लेकिन जो टेम्परामेंट और जो टेम्पलेट इन्होंने T20 का दिखाया है, क्या आप देखते हैं कि इनमें से कुछ लड़कों को वाकई में T20 वर्ल्ड कप की 11 में चुना जाएगा? चुना जाना चाहिए, नहीं मैं पूछ रहा हूं क्या ये चुने जाएंगे, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए क्यों नहीं चुने जाएंगे, क्योंकि आप किस आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे ही आप जो है वो टीम सेलेक्ट करते हो। अगर ये टीम
जो वहाँ पे श्रीलंका गई है, ये इनके लिए बड़ा मौका है यंगस्टर के सामने। ये कभी नहीं देखा जाएगा कि सामने कितनी हल्की टीम थी कितनी नहीं थी, क्योंकि ये इंटरनेशनल गेम है और इंटरनेशनल गेम में अगर ईशान किशन ताबड़तोड़ 100 रन बना देंगे, या जैसे आज उन्होंने 58 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है, पृथ्वी शॉ की वो 40-45 रन की जो पारी है उन्होंने वो खेली है, तो ये दिखाता है कि इनमें बहुत दमखम है और इनके दमखम को देखते हुए इनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा। और सिलेक्टरों के लिए ना ये थोड़ा सा विषय, ये थोड़ा सा और सोच का जो है वो बढ़ गया है कि कैसे किसी बड़े खिलाड़ी को बाहर बिठा के किसी यंग खिलाड़ी को और अंदर लेके आ सकें और कैसे उसको इवॉल्व कराया जाए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो तो कुछ खिलाड़ी आपको ऐसे चाहिए जो ताबड़तोड़ खिलाड़ी हों। जैसे आप ईशान किशन की बात करें, पृथ्वी शॉ की बात करें, तो ये देखते नहीं है सामने बॉलिंग कौन कर रहा है, चाहे वो सामने सुनील नरेन हो या फिर श्रीलंका का कोई भी स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, तो ये उसी अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। तो मुझे लगता है देखिए इनको इनके परफॉर्मेंस से इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और तरीके से। अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो इनको ज़रूर जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी सीनियर खिलाड़ी का वो कद काट देख के नहीं लेनी चाहिए। अगर वो सीनियर खिलाड़ी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो ज़रूर ये अपनी जगह बनाने में मुझे लगता है कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव भी एक ऐसे खिलाड़ी है विक्रांत, जो मुझे लगता है कि उनकी जगह तो पक्की होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करते हैं। जब आपके पास ऐसे विकल्प चाहिए कि आपको विकेट भी बचाना है, सीमिंग ट्रैक है या स्पिनिंग ट्रैक है, तो वो ऐसे खिलाड़ी हैं विकेट बचा के भी तेजी से रन बना सकते हैं। सही बात। तो ये टफ कंपटीशन देने वाले हैं सीनियर खिलाड़ियों को, होना भी चाहिए। हालांकि 5 मैच और हैं और ये फैक्ट है कि ये सीरीज आधार नहीं हो सकती कि आप वर्ल्ड कप की टीम कैसे चुने। ये सीरीज ये हो सकती है कि आप खिलाड़ियों को जिनको परखना चाहते थे उनके बारे में अंदाजा आपको हो जाए। और मदन जी, खिलाड़ी को परखा तो जाता है कि मजबूत ऑपोजिशन हो, हारा हुआ मैच हो, उसको खिलाड़ी कैसे निकाल कर लाता है। लेकिन सिलेक्टर्स के लिए आने वाले वक्त में थोड़ा सा पेचीदा मामला हो सकता है। अब आज ही का मैच देखिए, हम अभी तक बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की कि यार इनको टी20 वर्ल्ड कप खिला दो, अब ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ, लेकिन आज शिखर धवन ने भी 86 रन बनाए हैं। शिखर धवन भी अपनी 11 में जगह के लिए लड़ रहे हैं। और अगर शिखर धवन वर्ल्ड कप की 11 खेलते हैं तो आपके ओपनिंग बैट्समैन होते हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली। आप सिलेक्टर हो तो क्या करें? देखिए ये विक्रांत, जो आपने के सिलेक्टर की बात की है, देखिए अच्छी बात है, आपके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है और सिलेक्टरों के लिए भी एक चैलेंज है भी जिस खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, किस अंदाज में परफॉर्म किया वो देखने वाली बात होती है, किस कंडीशन में जाकर किया, किस पोजीशन में जाकर, सिचुएशन में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात है विक्रांत, अगर आप ICC ट्रॉफी या 2020 का वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, आजकल जो क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अगर आप देखें पावर प्ले के जो ओवर है, 6 ओवर में 80 रन और 10 ओवर में आज हमारी टीम ने मेरे ख्याल 10 ओवर में 91 रन बनाए। अगर आप ऐसा अंदाज में आप क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि दुनिया वर्ल्ड की सारी टीमें इस अंदाज में क्रिकेट खेल रही हैं, तो उसे वो मैचेस भी जीत रहे हैं। और आज जैसे अंदाज इनका लगा है, जो यंगस्टर को मौका मिला है, इन्होंने सामने अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे ही अगर हम खेलते रहें तो हमारे चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत गेम बहुत चेंज हो चुका है। पर यह है कि शिखर धवन की आपने बात की, एक सेंसिबल बैटिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके इर्द गिर्द खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपका रन रेट अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कि मैच को कंट्रोल करता रहे। ये बहुत आज जो मैच हुआ मजा आया देखने का, और क्योंकि चाहे अपोजिशन की छोड़ो बात नहीं करनी चाहिए, हम किस अंदाज में खेले, हम किस अंदाज में। सही बात है, आप 263 चेज कर रहे हैं तो आपने कोई 48 ओवर थोड़ी बैटिंग की, आपने उसको 37 ओवर में खत्म कर दिया, यानी कि आप जानते हैं कि आप में और श्रीलंका में वो फर्क वही है, द चौक एंड द चीज। लेकिन बच्चों सिर्फ यहां पर इंडिया नहीं है, हालांकि ठीक है आप होस्ट है, भारत में वर्ल्ड कप नहीं है, ये वर्ल्ड कप UAE में, आपके लिए थोड़ी सी कंडीशंस जानी पहचानी है, बट हूबहू आपकी कंडीशंस नहीं है। इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज भी चल रही है, जो क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, इवन पाकिस्तान ने खेला है, उधर वेस्टइंडीज ने जो ऑस्ट्रेलिया को मारा है, T20 का तरीका बदल गया है। क्या वाकई में वो वक्त आ गया कि अब वनडे क्रिकेट में भी आपको T20 का फॉर्मूला देखना शुरू हो जाएगा? मैं सिर्फ भारत की नहीं, मैं ओवरऑल बात करता हूं। देखिए इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, कैसे जीता था, और उसमें उसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को कैसे हराया था या बाकी की टीमों को कैसे हराया था, क्योंकि उन्होंने वही फॉर्मूला जो है वो T20 वाला फॉर्मूला 50 ओवर में लेके आए थे, बिल्कुल वो बर्मिंगम वाला गेम भारत को गेम से बाहर ही कर दिया था, इतने रन बना दिए थे और जो आ रहा था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा था कि नंबर 9-10 तक बल्लेबाजी रखी हुई है कि आप जाओ और खेलते चले जाओ। और इयन मॉर्गन मेरे KKR के कप्तान भी है और उनका सामने से ये मुझे बताई हुई चीज़ है कि हम तो ऐसे क्रिकेट खेलने वाले हैं, 50 ओवर अगर खेलेंगे तो वी विल लुक टू स्कोर 375-400 रन। तो अगर 400 रन आप बना देते हो तो किसी भी टीम को आप अटका सकते हो, तो ये तो आजकल माइंडसेट है। अगर ऐसा माइंडसेट है तो आप समझ सकते हो कि उस दिशा में ऑलरेडी टीमें चलने शुरू हो गई हैं। वेस्टइंडीज की टीम जिस लिहाज से क्रिकेट खेल रही है, अगर कोई टीम 200 रन बनाती है तो वो 200 रन भी चेज कर सकते हैं, ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और ये ईशान किशन या फिर पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा जैसे
तकड़े बल्लेबाज अगर आपके पास टीम में हो तो मुझे लगता है कि कोई भी स्कोर जो है आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो सकता है। तो बड़ा एक्साइटिंग टाइम है आगे आने वाला। और आपने बात करी कि इंडिया जो वर्ल्ड कप खेलने वाला है या वर्ल्ड कप होने वाला है दुबई में, और दुबई में एक चीज़ अच्छी हो रही है उससे पहले कि जो IPL वहाँ पे हो रहा है उसका जो कहते हैं ना कि आप मैचेस वहाँ पे खेलोगे वो मैचेस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि पिचेस कैसी हैं, कि ग्राउंड कितना साइज का है, वो सारा आप चीज़ों को अपने ध्यान में रख करके वो क्रिकेट खेल सकते हो। तो उस चीज़ का भारत को फायदा मिल सकता है। और मैं एक बात, जब मदीपा जी बात कर रहे थे कि सीनियर खिलाड़ी नो डाउट बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बट विकी पाजी पहले क्या होता था कि पहले टीम में कोई यंगस्टर आता था ना वो देखता था कि वीरेंद्र सहवाग परफॉर्म करे या फिर सचिन तेंदुलकर परफॉर्म करे, बट ये जो यंग खिलाड़ी हैं ये वैसे नहीं है, ये देखते हैं कि हम परफॉर्म करें। 260 हैं तो मैं 260 में से 70-80-100 अपना कैसे बनाऊं, मैं कैसे अपनी टीम को जिताऊं। सो दे वांट टू बी इन द मिडिल एंड फिनिश द गेम्स। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस। और क्रेडिट टू IPL कि जिस लिहाज से IPL ने इनको ये इस तरीके के क्रिकेटर बनाया है जिसमें वो डर नाम की जो चीज थी ना वो खत्म हो चुकी है। सो अनबिलीवेबल, हैट्स ऑफ टू देयर थिंकिंग और जिस लिहाज की क्रिकेट खेली है, वेल डन। और एक जमाना था ना जब हम कहते थे कि यार क्रिकेट में ना आप घोड़े को बैक करो, आपको पता होना चाहिए घोड़ा कौन सा है, अरबी घोड़ा, इस पे पैसा लगाओ। अब तो शायद क्रिकेट घोड़े से भी आगे चलेगी, बिकॉज लोगों का ये मानना है कि घोड़े सिर्फ भागने के लिए हैं, आपको तो शेर चाहिए। और ये यंग खिलाड़ी हैं, ये यंग पनीरी है, शेर ही हैं, वक्त आएगा और बेहतर होंगे। अच्छा, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद बात होगी गेंदबाजी की। कुलचा की जोड़ी आज मैदान में एक साथ, अच्छा परफॉर्मेंस, उस पर भी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक खास बात यह भी हुई आज की, कुलदीप और चहल को एक साथ आपने खिलाया, और भजू कहीं ना कहीं और राहुल द्रविड़ और शिखर धवन का कंपोजर इन दोनों की गेंदबाजी में दिखा। आपने कहा था ना कि कप्तान का कॉन्फिडेंस होना स्पिनर्स पर बड़ा जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों को साथ में खेलते हुए और दोबारा बॉलिंग करते हुए देखते हुए। और ये जब जब इकट्ठे बॉलिंग करते हैं विकेट चटकाते हैं। देखिए बतौर स्पिनर ये आजकल आसान नहीं है कि आप 10 ओवर में सिर्फ 30 रन 35 रन दे के निकल जाओ और आप 2-3 विकेट ले लो। आपको रन जरूर पड़ेंगे 50 के करीब, पर आप 2-3 अगर विकेट ले जाते